नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत पर बागवानी में। हम जब किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम हर बार उसमें कुछ नया करें, उसके लिए कुछ नया सीखें। अब आप जैसे गार्डन लवर्स को ही ले लीजिए, आप अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। गार्डनिंग में इतनी सारी आर्ट्स हैं, आप सभी सीखने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही आर्ट है कोकेडेमा, और आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कैसे आप उसे अपनाएं। आइए जानते हैं और करते हैं आज के कार्यक्रम का श्री गणेश। कोकेडामा एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है एंड ये ओरिजिनेट भी जापान में ही हुई थी। ये कला जो है दो शब्दों से बना है, कोके और डामा। कोके का माने होता है मॉस और डामा माने बॉल। तो जो पूरा प्लांट बनके तैयार होता है वो ऐसा लगता है जैसे प्लांट एक मॉस की बॉल में उगा हुआ है, इसलिए उसको कोकेडामा बोलते हैं। पुराने ज़माने में जो बॉन्साई होता था, मेनली बॉन्साई के साथ में ये आर्ट शुरू हुई थी, जिसमें कि बॉन्साई के पौधे को मिट्टी और मॉस की बॉल में बांधकर, और जो थोड़े से लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग थे जापान में, वो उसको टांग के रखते थे और घर में सजा के रखते थे। तो इन जापान उसको ऐसे कहते थे पुअर मैंस बॉन्साई, यानी एक लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आदमी के घर में भी बॉन्साई वो सुंदर लगता था। उसी से वो धीरे धीरे डेवलप होके इवेंचुअली अब तो दुनिया भर में उसको बहुत ही अच्छा एक डेकोरेटिव आइटम के हिसाब से यूज़ किया जाता है। अच्छे अच्छे ऑफिसेज में, घरों में, सब जगह पे उसको यूज़ किया जाता है। तो जब हम बनाते हैं कोकेडामा, उसको घर में कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अपने ऑफिस में, अपने शॉप में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। हर प्रकार के प्लांट से कोकेडामा बनाया जा सकता है, पर ज़्यादातर शेड लविंग और मॉइस्चर लविंग प्लांट्स जो होते हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं कोकेडामा बनाने के लिए। सो यहाँ हमने कई तरह के प्लांट्स रखे हैं। फॉर अ बिगिनर जो शुरू कर रहा है उसके लिए सबसे आसान प्लांट्स रहते हैं, मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, सिंगोनियम है। ये प्लांट्स हैं जो मिनिमम केयर के साथ में भी बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। सो अगर हम अलग अलग तरह के प्लांट्स अपने ये देखें तो ये फर्न है, सिंगोनियम है, कलर्ड सिंगोनियम जिसमें पिंक लीव्स होती हैं, ऐसे ही अलग अलग तरह के सिंगोनियम्स होते हैं। ये वेलवेट लीव सिंगोनियम है, दूसरा ग्रीन सिंगोनियम है। उसके अलावा मनी प्लांट होता है जो आमतौर पर हर घर में पाया जाता है, उससे सबसे अच्छा कोकेडामा बनता है और सबसे आसानी से भी बनता है। दूसरा ये क्लोरोडेंड्रॉन है, ये भी एक मनी प्लांट की ही वैरायटी है, बट ये साउथ अमेरिका से आया है। इसकी ट्विग्स जो इसकी डंडी होती है वो थोड़ी रेड होती है, ऊपर की पत्ती थोड़ी रेड टिंज वाली ग्रीन होती है, तो थोड़ा सा अलग कलर इफेक्ट देता है। फिर एक स्पाइडर प्लांट है, एस्पैरेगस फर्न्स होते हैं, ये बहुत अच्छे से कोकेडामा में। तो जो भी प्लांट्स हम हैंगिंग बास्केट्स के लिए यूज़ करते हैं उसी टाइप के प्लांट्स अगर हम कोकेडामा के लिए यूज़ करते हैं तो वो लटके हुए, हैंग करते हुए कहीं पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। इसी तरह से ये दूसरे फर्न्स हैं, एस्पैरेगस वाले हैं, अरेलिया प्लांट्स हैं। तो जहाँ हमको ट्रे में डिस्प्ले करना है या बॉन्साई का लुक देना है प्लांट को और हैंगिंग वाला नहीं रखना है, तो उसमें हम छोटे वाले ऐसे ट्री शेप प्लांट्स जो होते हैं, बॉन्साई या अरेलिया या ये वाले प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह के अरेलिया मिलते हैं। कोलियस है, कोलियस भी बहुत अच्छा कोकेडामा बनता है। फिटोनिया और ये दूसरे वाले सिंगोनियम जो है, ये भी हम अलग अलग तरह से और अलग अलग तरह से जोड़कर उनको इस कोकेडामा बना सकते हैं। अब कोकेडामा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी चाहिए, गार्डन सॉइल जो नॉर्मल हमारे पास होती है, उसमें मिलाएंगे हम 50% कोकोपीट। तो 50% गार्डन सॉइल और 50% कोकोपीट। इसके अलावा 1 part कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट जो होता है हमारा, फार्म यार्ड मैन्यूर भी ले सकते हैं उसकी जगह, थोड़ी सी नीम खली। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है वो रहती है मॉस। मॉस भी आजकल सारी नर्सरीज में ज़्यादातर मिल जाती है, सूखी भी मिलती है, पर दिल्ली NCR के क्लाइमेट में हमारे पास हरी मॉस अगर हम लगा भी देंगे तो वो इतनी हरी रहती नहीं है, बिकॉज हमारा ड्राई क्लाइमेट है, तो थोड़े ही दिनों में वो सूख जाती है और ब्राउन हो जाती है। सो इसलिए हमें उसके आसपास डेकोरेट करने के लिए भी फिर कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है ताकि वो प्लांट सुंदर लगता रहे बराबर। तो कई बार हम फिर कलर्ड रस्सियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल सुतली की बजाय। तो ये अलग अलग क्राफ्ट शॉप में कैसी भी रस्सियाँ मिल जाती हैं, हर कलर की हैं, नहीं है तो कलर्ड मोली है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिबन्स हैं, साटिन के रिबन्स मिलते हैं सारे बच्चों के क्राफ्ट वर्क के लिए, उसके लिए इन सब चीज़ों से बांधा जा सकता है। उसके अलावा कई बार जूट का कपड़ा होता है वो बहुत सुंदर लगता है, उसको अच्छे अलग अलग तरह से डेकोरेट किया जा सकता है। उस पर हम छोटे छोटे फ्लावर्स
ऐसे जो ये क्राफ्ट वर्क के लिए मिलते हैं ये लगा के और उसको सुंदर से डेकोरेट करके गिफ्ट आइटम भी बना सकते हैं कोकेडामा से। और कुछ नहीं है तो अगर आपके पास सिर्फ कोई कलर्ड कपड़ा है, कोई कलर्ड दुपट्टा है या कुछ बचा हुआ कपड़ा है, तो वो भी उसके आसपास बहुत अच्छा कलर इफेक्ट दे सकता है डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। कोकेडामा एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम विदाउट एनी लिमिट अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है बेसिक्स को जानना, और उन बेसिक्स को जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, अभी भी कोकेडामा को और करीब से जानना बाकी है। सबसे पहले हम थोड़ी सी मॉस जो है इसको पानी में भिगो देंगे ताकि जब तक हम मिट्टी तैयार करते हैं ये थोड़ी इसमें नमी आ जाए। और ये मार्केट में जो मिलती है वो एकदम ड्राई मॉस मिलती है, सूखी हुई। सो इसको थोड़ी सी देर पानी में भिगो के और छोड़ देंगे ताकि तब तक जब तक हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं ये अच्छे से पानी सोख लेगी। तो जब तक हमारी मॉस भीग रही है हम अपनी मिट्टी तैयार कर लेंगे। जैसे ये है, इसमें हमने गार्डन सॉइल, कोकोपीट, नीम खली, थोड़े से चारकोल पीसेस और कंपोस्ट सब मिला के ये तैयार किया है। इसमें हमें ये देखना है कि इसमें सफिशिएंट पानी है कि नहीं। नॉर्मली मिट्टी थोड़ी ये ऐसे भुरभुरी होती है, ये चलेगी नहीं क्योंकि हम इसके आसपास अगर प्लांट लगाते हैं तो ये उखड़ के गिरती रहेगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी अभी हम और मिलाएंगे। मिट्टी की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो एक प्लांट के आसपास टाइट हम बॉल बनाएं, क्ले बॉल टाइप, तो वो उसके पास बन के और वो रुक सके और उसकी रूट्स को होल्ड करे। अपने आप से टेस्ट करने के लिए हम देख भी सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे बॉल बनाते हैं, बांधते हैं, तो ये बंध के रहनी चाहिए, ये उखड़ना नहीं चाहिए। अगर वो खुल के गिर रही है, भुरभुरी है, तो वो प्लांट हमारा होल्ड नहीं कर पाएगी और बांधने में हमें दिक्कत होगी कोकेडामा को। ये हमारी मिट्टी अब तैयार है, अब हम इसको साइड में रख देंगे और अपना प्लांट तैयार करेंगे। ये प्लांट हम जैसे आज सिंगोनियम लेते हैं, ये वेलवेट सिंगोनियम कहते हैं। इसके पत्ते थोड़े डार्क होते हैं, बीच में एक ऐसे इसकी लाइट स्ट्राइप होती है। सो ये लेंगे, तो ये प्लांट को अब हम गमले में से निकालेंगे। गमले से निकालते हुए ये प्लास्टिक के गमले अगर होते हैं तो इनको थोड़ा सा दबाकर हम ढीला कर सकते हैं ताकि उसके आसपास की मिट्टी लूज़ हो जाए और प्लांट की जड़ें खराब ना हो निकालने में। सब ओर से दबाकर फिर उसको ध्यान से उल्टा करके धीरे धीरे जेंटली हम प्लांट को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद जो उसका मेन रूट बॉल है वो डैमेज नहीं करना है, लेकिन उसके आसपास की एक्स्ट्रा मिट्टी हम सारी हटा देंगे। ये इस तरह से प्लांट अब हमारा कोकेडामा बनाने के लिए तैयार है। ये जो हमने मॉस अभी शुरुआत में भिगोई थी अब ये भीग के तैयार हो गई है। इसको पानी में से ऐसे निकालेंगे और एक्स्ट्रा पानी इसमें से दबा के हटा देंगे। जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कुछ कुछ मोटे लकड़ी के टुकड़े, कुछ गंदगी, कुछ ट्विग्स ये भी हैं, तो इनको भी हटा दें। और अब इसको हम ऐसे अपने आगे पूरा एक लेयर इसकी मोटी बिछा लेंगे। ये इसलिए है ताकि हमें प्लांट की रूट्स के आसपास इसको लगाने में आसानी रहे।
टुकड़े टुकड़े में लगाएंगे तो वो थोड़ी मुश्किल करती है, ऐसे एक लेयर बना लेंगे शीट टाइप तो ये आसानी से उस पर चढ़ जाएगी। अब ये लेयर बन गई है हमारी, अब हम इसमें प्लांट लगाने की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हम ये प्लांट उठाएंगे अपना, ये हमारा प्लांट है जो हमने तैयार किया था सारी एक्स्ट्रा मिट्टी हटा के। इस पर हम जो मिट्टी हमने तैयार की थी उसका पूरा रूट बॉल तैयार किया था इस तरह से, तो इसको आधे में स्प्लिट करके दो पार्ट्स बना लेंगे और इनके बीच में अब ये प्लांट को अपने इस तरह से हम इसके चारों तरफ मिट्टी दबा के लगाते जाएंगे ताकि रूट्स के बीच में कोई एयर स्पेसेस ना रहें, और दबा कर पूरा इसको इस तरह से एक क्ले बॉल तैयार कर लेंगे। अब इसके चारों तरफ हमें मॉस लगानी है, तो जो मॉस की हमने लेयर बनाई थी उस पर इसको ऐसे रख कर और चारों तरफ से अब इस पर मॉस लगाएंगे हम। इस तरह से हम इसको पूरा अपने क्ले बॉल के चारों तरफ दबा के फिट करके पूरा ये हमारा मॉस बॉल तैयार हो गया है। एक तरह से रफली ये हमारा प्लांट इन अ मॉस बॉल बन गया है, लेकिन ये जो मॉस है ये अभी लूजली पैक्ड है बस इसके चारों तरफ, तो अब हमें इसके आसपास बांधना होगा, नहीं तो जब हम इसको पानी देंगे या ये रखेंगे सूखेगी तो ये सारी उखड़ के गिर जाएगी, तो हम इसको बांधेंगे अब। तो बांधने के लिए हम ये नॉर्मल जो मार्केट में रस्सी मिलती है सूतली, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से उसको लपेट के और बांधना शुरू करेंगे। बांधने के लिए आप किसी भी तरह से बांध सकते हैं, जो पैटर्न आपको पसंद आए। शुरुआत में आसान ये रहता है कि हम नीचे से शुरू करें और थोड़ी सी रस्सी यहाँ पे ऐसे छोड़ दें ताकि बाद में हमें लास्ट में जो नॉट लगानी है उसमें आसानी रहे, और इसको ऐसे घुमा के बांधते जाएं। जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है, आपके लिए कन्वीनियंट होता है, आप उसमें बांध सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि पूरे प्लांट का रूट बॉल अच्छे से इसमें टाइटली बंध जाए और कहीं से कोई मॉस या मिट्टी उखड़ के ना गिरे। ये सारी घूम के अब रस्सी हमारी सब तरफ से इसको हमने पैक कर दिया है। लास्ट में जब हमारे पूरा ये हो गया है, सब तरफ से हमने देखा कि ये सब तरफ से बंध गया है, तब हम ये लास्ट में नीचे ये जो रस्सी हमने रखी थी इसके साथ में इसकी नॉट लगाएंगे। तो ये हमारी नॉट बन गई और इसको हम कैंची से काट देंगे। ये हमारा बेसिक कोकेडामा तैयार है। जैसे अब ये है तो इस पे मेरे पास लगाने के लिए अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, वाइट है, और भी डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स मार्केट में मिलते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको तार के सहारे से इस पे हम फिट कर देंगे। अब इसको हम या तो टेबल पर डिस्प्ले करने के लिए किसी ट्रे में सजा सकते हैं, या इसको हम रस्सी के सहारे हैंग कर सकते हैं किसी हुक पे, पेड़ की डाली पे, बालकनी में, या कोई और स्टैंड है हमारे पास घर में अगर, तो कहीं पर भी इसको हैंग करके डिस्प्ले कर सकते हैं। छत पर बागवानी में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे कोकेडामा से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कोकेडामा के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं।
कोकेडामा को बनाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हम उसको बनाकर और डेकोरेट कर घर में और ऑफिसेज में सब जगह डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जो दूसरा बनाएंगे वो दो प्लांट्स लेके और उसको बनाएंगे और देखते हैं कि उसमें किस तरह से हम और उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं। मिट्टी और मॉस की लेयर बनाने का तरीका सब सेम है जैसे हमने पहले बनाया। अब जैसे ये सिंगोनियम है, इसकी रूट बॉल के आसपास की एक्स्ट्रा मिट्टी हमने हटा ली है और ये मनी प्लांट है, ये भी हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से हम उनको दोनों को पहले पास में पकड़ के लगा के देखेंगे कि किस तरह का अरेंजमेंट अच्छा लग रहा है सब तरफ से। जैसे हमने पहले क्ले बॉल मिट्टी की तैयार की थी लेके, और अब हम इसको दोनों तरफ से आधा आधा करके लगाएंगे। प्लांट्स की जड़ें हिले नहीं ये ध्यान रखना है और मिट्टी सब तरफ से जड़ों को कवर कर ले ताकि हमारा क्ले बॉल पूरा कॉम्पैक्ट बन जाए। कहीं पे अगर जड़ें बच रही हैं बाहर हैं तो हम उसमें और मिट्टी लगा सकते हैं ताकि ये पूरा हमारा बॉल तैयार हो कॉम्पैक्ट। अब ये हमारा क्ले बॉल तैयार है, प्लांट इसमें अच्छे से फिट हो गए हैं। अब हम इस पर चारों तरफ मॉस की लेयर लगाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले मिट्टी के चारों तरफ मॉस की लेयर लगाई थी वैसे ही लगानी है, एक मोटी लेयर, और उसको अच्छे से पैक कर देना है प्लांट के रूट्स के और मिट्टी के चारों तरफ दबा कर। थोड़ा सा बड़ा मॉस बॉल बनेगा ये क्योंकि दो प्लांट्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मॉस उखड़े नहीं और मिट्टी भी नहीं ख़राब हो। नहीं, इस तरह से ये हमारा पूरा मॉस बॉल अब तैयार हो गया है। इसको या तो हम वैसे ही जैसे हमने पहले सुतली से बांधा था वैसे बांध के और यूज़ कर सकते हैं इस तरह से हमने बाकी के प्लांट पहले यूज़ किए थे, या फिर इसको दूसरी कलर्ड रस्सी से भी डेकोरेट किया जा सकता है या और कोई तरीके से अगर हम उसको करना चाहें तो। उसके लिए बेसिक हम एक नायलॉन की बिल्कुल पतली सी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे एक बार को ये सारी मॉस इस पर टाइटली बांध देने के लिए। ये स्ट्रिंग ईजिली अवेलेबल है, स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाती है, तो इसको भी वैसे ही शुरू करेंगे जैसे सुतली को शुरू किया था, नीचे से बांधना शुरू करेंगे हम। धीरे धीरे, क्योंकि ये बड़ा मॉस बॉल है इसलिए इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि सारी मॉस टाइटली फिट हो और वो छूट कर निकले ना। अब ये हमारा पूरा बंध गया है और पूरा कॉम्पैक्ट शेप में तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा इसकी रस्सी जो है वो हम नीचे बांध देंगे, जो एक हमने एज बाहर रखा था उससे, और बाकी का काट देंगे। तो अलग अलग रस्सियाँ मिलती हैं मार्केट में, जैसे ये ऑरेंज है, ग्रीन है, तो इसको भी हम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे पहले सुतली को शुरू किया था, नीचे की तरफ से शुरू करेंगे ताकि हमारी गांठ नीचे आए। और अब इसको बांधेंगे सब तरफ से वैसे ही जैसे पहले बांधा था, बांधते जाएंगे और इसको कवर करते जाएंगे। अपने हिसाब से इसको ऐसे बांध सकते हैं और चाहे तो पूरा कवर करें और चाहे तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं ताकि बीच में आपकी मॉस भी दिखती रहे। अब क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी नायलॉन की रस्सी से नीचे बांध दिया है तो वो उखड़ेगी नहीं, और ये जो हमारी कलर्ड रोप है जो उसके ऊपर से जा रही है उसके बीच बीच में से मॉस दिखती हुई वो भी खूबसूरत लगेगी। जब ध्यान रहे कि अगर आप कलर्ड रस्सी यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर आपकी प्लांट की लीव्स के साथ में कोऑर्डिनेटेड हो, अगर एकदम अलग या कॉन्ट्रास्ट कलर होगा तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। ये हमारा बन गया है और पूरा आ गया है, यहाँ हम इसको क्लोज करेंगे। काटने की बजाय अंदर दबाना बेटर रहता है क्योंकि अगर ज़्यादा काट देंगे छोटा कट जाएगा तो कभी कभी नॉट खुलने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो बेटर है उसको ऐसे अंदर रोप के नीचे ही दबा दें ताकि आपकी नॉट ना खुले और वो नीट भी लगे। इस तरह से अभी हमारा पूरा कोकेडामा तैयार हो गया है। इसे आप घुमा के पूरा चेक कर लेंगे कि सब तरफ से रोप बराबर डिस्टेंस पे लगी है, नीटली लगी है या नहीं लगी है, या कहीं से कोई मॉस या मिट्टी निकलने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। इसको हम और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें छोटे फ्लावर्स, रोज़ेज़ या कुछ भी और डेकोरेशन का सामान है, बर्ड्स हैं कुछ है तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे ये है तो इसमें हम ये छोटे रोज़ लगाएंगे। इनके साथ में ऑलरेडी वायर लगे हुए आते हैं इसलिए हमें लगाने में घुसाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो आसानी से अंदर चला जाता है।
इस तरह से हम इनको कोई भी दूसरे कलर का या जो इसके साथ में अच्छा लग रहा है कलर हमें, उसका छोटा फ्लावर या कोई छोटी बर्ड्स जो होती हैं जिनके ऊपर ऐसा छोटा सा वायर लगा रहता है, वो भी हम इसमें फिट करके और इसको और खूबसूरत बना सकते हैं गिफ्ट पर्पस के लिए या छोटे उसके घर के डेकोर के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस हिसाब से डिस्प्ले करके। अब इसका आगे केयर कैसे करना है हम वो देखेंगे। तो जब हम केयर करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि उसको लाइट कैसी चाहिए और उसको पानी कैसा चाहिए। सो लाइट तो प्लांट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसी हिसाब से देनी है। तो जितने भी शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत शेड में, बालकनी की शेड में या खिड़की के पास उतनी लाइट चाहिए रहती है। बिल्कुल अंधेरे में कोई प्लांट नहीं होएगा, तो इसलिए ये ना सोचें कि घर के अंदर रखा है डाइनिंग टेबल पे तो हम उसको वहीं रख के छोड़ सकते हैं। बीच बीच में हफ्ते में कभी एक बार आपको उसको बाहर छोड़ना होगा लाइट दिखाने के लिए। तो पानी देने के लिए जैसे एक हमारे पास ये छोटी बाल्टी है उसमें हम रख सकते हैं। आपके पास कुछ और है, जग है, टब है, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। ये डेकोरेटेड वाले जो कोकेडामा होते हैं इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप पानी देने लगे तो ये छोटे वाले डेकोरेशंस निकाल दें, वरना कभी कभी ये पानी से ख़राब हो जाते हैं। तो ये निकाल के एक तरफ रख दें, जब पानी हो जाएगा तब वापस लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको पानी में ऐसे डुबो दें और डुबो के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जब इसको आप पानी में डालेंगे बिल्कुल सूखे कोकेडामा को, तो आपको पानी में से एयर बबल्स भी निकलते हुए दिखेंगे। तो वो एक इस बात की निशानी है कि अंदर पानी जा रहा है और जो अंदर हवा थी वो बाहर आ रही है। तो एक बार जब पूरा एयर बबल्स निकलने बंद हो जाएं, वो भी एक तरीका है ये जानने का कि पानी अंदर तक पहुंच गया और आप उसको निकाल सकते हैं पानी में से। नहीं तो 5 मिनट डाल के अगर वापस निकाल लेंगे तो वो काफ़ी होता है। अब 5 मिनट हो गए, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पानी जो है वो उसमें से थोड़ी सी देर टपकेगा, उसके लिए हम उसको साइड में किसी प्लेट पे या ज़मीन पे बाहर अगर गार्डन में कहीं रख देंगे तो जब वो पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए उसके बाद आप उसको टांग सकते हैं या अपने अंदर जहाँ भी डेकोरेशन के लिए करना है रखना है वहाँ रख सकते हैं। सो पानी और लाइट के बाद में तीसरी चीज़ जो पानी प्लांट को चाहिए वो है खुराक, खाद, जो जिसको हम न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो कोकेडामा में आप डायरेक्टली खाद तो नहीं डाल सकते, लेकिन जब ये ध्यान रखना है कि जब इसको फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइल्यूट करके जो पानी आप इसको पानी देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसी में डाल दें। तो महीने में एक बार जैसे, तो थोड़ा सा उसमें डाल दें और उसी पानी में डिप कर दें, तो वो वहीं से उस पानी के थ्रू ही उसको नेचुरल जो अपना न्यूट्रिशन है वो सारा एब्जॉर्ब करके और उसके थ्रू ग्रो करेगा। वाओ, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कोकेडामा बनाना। इजी टू मेक, इजी टू हैंडल। भाई मैं तो अपने घर पे जाकर जल्दी ही इसे बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी इस आर्ट को ज़रूर अपनाएंगे और इससे अपने गार्डन के साथ साथ अपने घर की खूबसूरती को भी और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।